ये जो प्रीमियम क्रेड आप देख रहे हो ना, ये BGMI से 2 दिन बाद चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रीमियम क्रेड कौन सा आएगा इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ इसका कन्फर्म रिलीज डेट भी आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो क्लासिक क्रेड अभी आप लोग देख रहे हो ये 26 दिन बाद जाने वाला है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लासिक क्रेड आने वाला है वो कौन सा होगा, इसका लीक्स भी आप लोग को इसी वीडियो में देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ गाइज अपना जो वही सप्लाई क्रेड था वो अभी तक BGMI के अंदर भी नहीं आया है, तो सप्लाई के रेट कौन सा आएगा एंड कब तक देखने को मिल सकता है इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ गाइस अपना जो RS क्रेड है उसका रिलीज डेट आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा और RS क्रेड वाइज इस बार कैसा होने वाला है इसके बारे में भी इस वीडियो में आगे आप लोग को बताने वाला हूँ। बाकी गाइस मैं आप लोग को बता दूँ, इस वाले वीडियो में कुछ लेटेस्ट लीक्स भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, तो यार वीडियो को यार एंड तक देखना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया यार फटाफट लाइक करके, चैनल पर हमारा नहीं होता सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लेना ताकि हमारे वाले जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। सो गाइस यहां पे ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, दिखाते हैं गाइस एक एक करके सारे के सारे लीक्स। सबसे पहले गाइस आप देखो ये वाला क्रेट और स्पीड, जहां पे आप लोगों को मिथिक आउटफिट साथ ही साथ लेजेंडरी टाइप के भी रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो ये वाला रॉयल सेट जो कि यार काफी ज्यादा यार शाइनिंग कर रहा है, एंड यहां पे देखो गाइस इस वाले हेडगियर के साथ में कुछ इस टाइप से आपको ये वाला सेट देखने को मिलने वाला है कंप्लीट। और मेल करेक्टर में तो यह मेरे को ये वाला सेट ज्यादा ठीक लग रहा है, आई थिंक ये मेल करेक्टर का ही सेट है। बाकी गाइज यहाँ पे आप लोगों को एक पैन की भी स्किन देखने को मिल जाती है जो कि गाइज कुछ इस टाइप से अपना होने वाला है सन फायर पैन। एंड यहाँ पे गाइज इसके बाद आप देखो एक मौली का भी स्किन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को एक लेजेंडरी सेट भी देखने को मिल जाता है जो कि यार मस्त लग रहा है, मिथिक को टक्कर दे रहा है, देख सकते हो इस वाले हेडगियर के साथ में ये वाला सनफायर सेट आप लोगों को देखने को मिल जाता है और ये आप लोगों को पबजी वाइल्ड के अंदर में बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। उसके बाद गाइस आप लोगों को BGMI में भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद गाइस बात करें हम नेक्स्ट लीक्स की, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मायरियम फेयर्स करके भाई एक न्यू कोलेब्रेशन आने वाला है पबजी वाइल्ड के अंदर में, जहाँ पे ये वाला इमोट देखो प्लेफुल ट्विस्ट मेरे को भाई बहुत ही ज़्यादा यार जबरदस्त लगा है। इसका रील्स वीडियो भी है मारियम का, तो भाई देख सकते हो। एंड यहाँ पे एक और इमोड देखो ट्रम्प फलजाए, भाई नाम का तो ओपी है इमोड का, बाकी देख सकते हो ये वाला इमोड। एंड यहाँ पे और भी कुछ आप लोग को रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि ये वाला आउटफिट, बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को इस वाले क्रेड में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखो रणवीर सिंह क्रेड जो कि यार अपना RS स्वैग क्रेड होने वाला है, और गाइज इस बार BGMI में जो RS क्रेड आने वाला है उसमें हमें अनलिमिटेड मटेरियल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा इसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। फिलहाल देख सकते हो गाइज यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड्स रखे गए हैं और ये कन्फर्म अपने BGMI के अंदर में आने वाला है और इसका जो कन्फर्म रिलीज डेट है अभी मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। बट गाइज देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यार कमाल कमाल के रिवॉर्ड आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, और पिछली बार तो यार अनलिमिटेड मटेरियल निकल रहा था, तो क्या इस बार भी निकलेगा? फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ इस बार जो रेड का सिस्टम होने वाला है ना वो कुछ अलग टाइप का होने वाला है। पिछली बार भाई जब आया था फर्स्ट टाइम तो ये डिस्कवरी इवेंट करके आया था, लेकिन इस बार भाई रणवीर सिंह का जो क्रेड आने वाला है ये डिस्कवरी इवेंट नहीं आएगा, ये अलग से एक क्रेड आएगा क्रेड सेक्शन में। ओके गाइज अभी मैं आप लोग को भाई वो क्रेड भी दिखा दूंगा कि आपका भाई जो क्रेड का लुक है वो कैसा होगा, तो मैं आगे आप लोग को दिखा दूंगा। बाकी गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये M249 वगैरह भाई आप लोग को यहाँ पे इस क्रेड में देखने को मिलने वाला है, मतलब भाई रिवॉर्ड की यहाँ पे कोई कमी नहीं होने वाली है। बट गाइज अगर अनलिमिटेड मटेरियल नहीं निकला तब तो यार मेरे को दिक्कत होने वाला है। और गाइज मैं अभी आप लोग को इसका रिलीज डेट बता देता हूँ, 4 जून को आप लोग को RS स्वैग क्रेड देखने को मिलने वाला है BGMI के अंदर में, 100% कन्फर्म भाई रिलीज डेट है ये। और 4 जून को भाई आप लोग को सुबह 6 बजे अपनी क्रेड ओपनिंग की वीडियो मिल जाएगी। रणवीर सिंह का भाई जो क्रेड आएगा RS स्वैग क्रेड, इसका क्रेड ओपनिंग करूंगा। अगर अनलिमिटेड मटेरियल निकलेगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा अपने वीडियो में, नहीं निकलेगा तब भी मैं आप लोग को बता दूंगा। अगर भाई निकलेगा अनलिमिटेड मटेरियल और मैं आप लोग को बताऊंगा तभी भाई आप लोग क्रेड ओपनिंग करना, नहीं तो भाई मत ही करना, ठीक है। फिलहाल मैं तो यार अपना UC वेस्ट करके आप लोग के लिए भाई बता दूंगा भाई, ओके रियल इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूंगा भाई सुबह 6 बजे की फोटो में। बाकी गाइस आप लोग देखो ये रणवीर सिंह का क्रेड कुछ इस टाइप का होने वाला है जो कि यार RS स्वैग क्रेड नाम से
आने वाला है, 4 जून को आप लोग को देखने को मिल जाएगा, सुबह 6 बजे अपनी वीडियो आ जाएगी। फिलहाल गैस आप में से काफी सारे भाई लोग जानना चाहते थे नेक्स्ट सप्लाई के रेट कब आएगा। गैस सबसे पहले आप देखो ये सप्लाई के रेट जो कि गैस आप लोग को BGMI के अंदर में बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ये वाला मिथिक आउटफिट इस वाले हेड गियर के साथ में आप लोग को देखने को मिल जाता है। वही गैस यहाँ पे आप लोग को एक M16A4 की भी स्किन देखने को मिल जाती है। बाकी गैस यहाँ पे आप बैकपैक देख सकते हो जो कि यार कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है। बैकपैक वैसे यार Level 3 पे काफ़ी ज़्यादा यार ज़बरदस्त लगता है। बाकी यहाँ पे और भी कुछ रिवॉर्ड है जो कि यार आप लोग देख सकते हो। और मैं आप लोग को बता दूँ PUBG मोबाइल के अंदर में भाई सप्लाई के रेट आ चुका है, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी ऐड किए गए हैं, मतलब अलग टाइप का मिथिक, लेकिन भाई BGMI में शायद यही वाला आप लोग को सप्लाई क्रेट देखने को मिले। और भाई ये सप्लाई क्रेट आप लोग को भाई इसी वीक के अंदर अंदर में देखने को मिलने वाला है, मतलब जून के फर्स्ट वीक में आप लोग को ये सप्लाई क्रेट BGMI के अंदर में देखने को मिल सकता है। और मैं अभी भाई इसको कन्फर्म नहीं बोलूँगा क्योंकि यार इसका भी रिलीज डेट निकल के नहीं आया है, बट आप होप कर सकते हो भाई कि इस वीक में आप लोग को देखने को मिल जाए सप्लाई क्रेट। बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग देखो नेक्स्ट प्रीमियम क्रेट, और भाई इसका कन्फर्म रिलीज डेट मैं आप लोग को अपने पहले वाले वीडियो में बता रखा हूँ, बट जिन्होंने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो यार वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो मैं इस वीडियो में भी आप लोग को कन्फर्म रिलीज डेट बताऊंगा। और भाई उस वीडियो में मैंने जो आप लोग को रिलीज डेट बताया था ऑफिशियल की तरफ से भी भाई वही रिलीज डेट निकल के आया है। फिलहाल देख सकते हो ये वाला मिथिक आउटफिट इस वाले हेडगेयर के साथ में, जो यार काफ़ी ज़्यादा यार मेरे को मस्त लग रहा है। वैसे यार यहाँ पे देख सकते हो साइनिंग वगैरह भी कर रहा है, बट बहुत ज़्यादा साइनिंग नहीं है लेकिन साइनिंग कर रहा है तो यार मेरे को अच्छा लग रहा है। वही गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एक हेलमेट का भी स्किन आप लोग को देखने को मिल जाता है इस वाले प्रीमियम क्रेड में, एंड यहाँ पे भाई एक AWM का अपग्रेडेबल स्किन है, तो क्या वो BGMI में अपने आएगा, तो यार इसके बारे में अभी आपको पता चल जाएगा। वही गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो Kar 98 का स्किन जो कि यार मेलोडिक फेलाइन Kar 98 है, ये वाली स्किन भी आप लोग को इसी क्रेड में देखने को मिल जाएगी, और ये तो भाई 100% इस क्रेड में देखने को मिलेगा। बाकी गाइस यहाँ पे आप देखो ये वाला AWM जो कि यार फील्ड कमांडर AWM है, भाई ये वाला AWM PUBG मोबाइल के प्रीमियम क्रेड में आ चुका है, लेकिन भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि BGMI में ये AWM का स्किन आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। ऑफिशियल की तरफ से भाई ये अभी कंफर्म हो चुका है कि AWM का अपग्रेड स्किन आप लोग को प्रीमियम क्रेड में नहीं देखने को मिलने वाला है, मतलब भाई BGMI वाले बहुत ही ज़्यादा कट कर रहे हैं अपग्रेड गन के मामले में। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे इसके अटैचमेंट है जो कि यार नहीं आने वाले हैं। ओके यहाँ पे ग्रेनेड का स्किन देख सकते हो जो कि यार आप लोग को BGMI के अंदर में देखने को मिल जाएगा प्रीमियम क्रेड के अंदर में। बाकी ये ऑर्नामेंट देख सकते हो और गाइस यहाँ पे आप फ्रेम देख सकते हो। एंड इसके बाद गाइस अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिक क्रेड के बारे में। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला क्लासिक क्रेड जो कि यार सेम BGMI के अंदर में भी आया है, लेकिन यार BGMI वाले भाई बहुत ही ज़्यादा कट करते हैं। तो गाइस ये देखो PUBG मोबाइल वालों ने भाई एक और मिथिक आउटफिट ऐड कर दिया है यहाँ पे क्लासिक क्रेड में अभी 2 दिन पहले ही, मतलब भाई यहाँ पे देख सकते हो मिथिक आउटफिट इतने सारे भरे हैं और भी यहाँ पे मिथिक आउटफिट क्लासिक क्रेड में ऐड किए जा रहे हैं, मतलब जो पहले क्लासिक क्रेड आ चुके हैं उनके रिवॉर्ड हटा भी नहीं रहे हैं, साथ ही साथ और न्यू मिथिक आउटफिट ऐड कर दे रहे हैं क्लासिक क्रेड में। मतलब यार BGMI वालों की भी भाई उनकी औकात दिखा रहे हैं भाई PUBG मोबाइल वाले, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि यार BGMI वाले क्या करते हैं, ग्लोबल से तो भाई कॉपी कर लेते हैं, जो खराब रिवॉर्ड्स होते हैं वो तो भाई ये लोग भाई डायरेक्ट यहाँ से उठा के वहाँ BGMI में दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई देखो ग्लेशियर है भाई, ग्लेशियर भी भाई BGMI वाले कॉपी नहीं कर पा रहे, तो भाई मैं क्या बोलूँ भाई, जब भाई ये लोग मिथिक आउटफिट कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो भाई सोचो ग्लेशियर कॉपी कभी कर पाएंगे, मेरे को तो नहीं लगता है यार, और करेंगे भी तो यार वही पेड क्रेड बना के दे देंगे। ओके तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो भाई PUBG मोबाइल के अंदर में भाई अनलिमिटेड चीज़ें भरी हुई हैं भाई क्लासिक क्रेड में, लेजेंडरी तो यार जितने भी आ रहे हैं वो रिमूव ही नहीं हो रहे हैं, और मिथिक भी जो आ रहे हैं वो भी रिमूव नहीं हो रहे हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ भाई BGMI वालों, भाई थोड़ा सा भाई शर्म करो, PUBG मोबाइल से भाई कॉपी तो कर रहे हो नकल कर रहे हो, लेकिन भाई थोड़ा सा अकल भी तो ले लो, मैं तो यही कहूँगा इनको। बाकी गाइस अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिक क्रेड आप लोग को BGMI के अंदर में कौन सा देखने को मिलेगा, ये देखो ये वाला क्लासिक क्रेड BGMI वाले भाई आपको दे देंगे। ओके नेक्स्ट जो क्लासिक क्रेड आने वाला है वहाँ पे आप लोग को ये रिवॉर्ड्स देखने को मिलने वाला है, ये PUBG मोबाइल में पहले आ जाएगा, उसके बाद BGMI वाले भाई यही रिवॉर्ड छाप देने वाले हैं। ओके तो देख सकते हो यार
जो खराब रिवॉर्ड आएगा वो बीजीबाई वाले छाप देंगे, और जो मिथिक वाले भाई आउटपुट आएंगे ग्लेशियर वगैरह जो है वो नहीं छापेंगे भाई, वो ये लोग कॉपी नहीं करेंगे। और ये जो क्लासिक क्रेड अभी आप लोग देख रहे हो ये बीजीएमआई के अंदर में 100% 27 जून को देखने को मिलने वाला है, कंफर्म रिलीज डेट है। ओके गाइस, फिलहाल गाइस आज की इस वाले वीडियो में इतना ही लीक्स को दिखाना था। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर हमारे नए होते हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड गाइस अगर आप लोग के और भी कोई डाउट है तो वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं गाइस आप सभी से नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।